तो अपना एक्वामैन वापस आ रहा है और वो भी एक बच्चे के साथ। अरे रुको रुको, जानता हूँ तुम एक्साइटेड नहीं हो, पर ये चीज इम्पोर्टेंट है। तो नए ट्रेलर से ये तो कंफर्म हो गया कि एक्वामैन इस बार अपने बच्चे के साथ आ रहा है और ब्लैक मैंटा रेडी है अपना बदला लेने को, और इस बार वो किसी भी हाल में नहीं रुकने वाला। तो इससे पता है मुझे याद आती है वो डीसी की स्टोरी जिसमें ब्लैक मैंटा जब एक्वामैन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता तो एक्वामैन के बच्चे को एक बबल में बंद कर देता है जिसमें दम घुट घुट के वो छोटी सी जान मारी जाती है, और उस टाइम एक्वामैन का गुस्सा आसमान छू जाता है। तो मूवी में मैंटा भी है, एक्वामैन भी है और उसका बच्चा भी। अब वैसे तो ये डीसीयू की आखिरी मूवी है और मुझे कोई उतना इंटरेस्ट नहीं है इसे देखने में, स्पेशली जितने सारे रीशूट से ये गुजरी है और फ्लैश के फ्लॉप होने के बाद मेरा भरोसा भी उठ गया है। पर अगर इन्होंने ये कहानी को मूवी में रिक्रिएट किया तो मतलब क्या डार्क मूवमेंट होगा वो सुपर हीरो मूवीज।